ठीक है. सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो आज हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर जिसके अंदर आज हम ग्रिड सिस्टम को देखने वाले, ठीक है. सो दिस इज आवर सेकंड लास्ट सेशन जिसके अंदर हम ग्रिड सिस्टम देखने वाले, ठीक है. तो जैसे सीएस के अंदर हमने ग्रिड सिस्टम को के बारे में आपको मैंने थोड़ा टच दिया था, राइट. इसके अंदर आपका कॉलम्स लेआउट, उसके अंदर मतलब आपको मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया था ग्रिड सिस्टम का यूज करके हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, ठीक है. ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे, ठीक है. सो प्लीज फोकस गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स यूजिंग बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम. तो सबसे पहले यार देखो, सीएसएस का ग्रिड सिस्टम इट्स लाइक अ सेम, आपको डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा ऐसे. मतलब ग्रिड सिस्टम मतलब कि आपका लैपटॉप पे डिवाइस, लैपटॉप डिवाइस पे कैसे आपका कंटेंट दिखेगा, मोबाइल पे कैसे दिखेगा, टैबलेट पे कैसे कंटेंट दिखेगा, इसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट, ठीक है. तो ग्रिड लेआउट कैसे होता है, लाइक हेडर, मेन, राइट, फुटर, मतलब कंटेंट आपके कैसे लेआउट होना चाहिए वेबसाइट पे, इसको हम क्या करेंगे ग्रिड सिस्टम का यूज करके डेवलप कर. तो देखो ये सीएसएस का ग्रिड था जो सेम हम क्या करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर लर्न करने वाले. तो सीएसएस का आपको मतलब, बट प्योर सीएसएस से आपको करना होगा तो यू कैन. हाँ, तो सबसे पहले आपको पैरेंट को देना पड़ेगा डिस्प्ले ग्रिड, उसके बाद आपको इनलाइन दिखाना होगा तो डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड, ओके. एंड ग्रिड के अंदर क्या होता है, आपके रोज एंड कॉलम्स होता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, दो तीन प्रॉपर्टी, गैप कितना रखना है, मैंने आपको टच दिया था उसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है. डिस्प्ले ग्रिड कॉलम, उसके बाद आपका ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है. ग्रिड कॉलम, डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ये आपको मैंने उसके बारे में थोड़ा आइडिया दिया था कि सीएसएस का, कस्टम सीएसएस का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, ग्रिड लेआउट डिजाइन कर सकते हो. डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड बाकी बेसिक है कि आपको इसके अंदर स्पेस रखना है तो कॉलम गैप, रो गैप, मतलब इट्स वेरी वेरी सिंपल, ओके. बट आपको इसको सेम हम अभी बूटस्ट्रैप का यूज करके ग्रिड सिस्टम एकदम सिंपल वैसे कैसे करेंगे ये हम देखने वाले, ठीक है. तो यूज अवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज, ठीक है. एंड थैंक्स टू अ 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, मतलब आपके बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक है. एंड अभी इससे पहले जो लास्ट वाले सेशन के अंदर हमने देखा था कि नावर को कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है. सो डोंट वरी, हम इस अपकमिंग वीक में हम बूटस्ट्रैप का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है. बिफोर दैट सीएसएस को हम रिवाइज करेंगे ऑल इन वन वीडियो, ठीक है. जैसे एचटीएमएल को देखा वैसे सीएसएस को पहले रिवाइज करेंगे एंड देन बूटस्ट्रैप, ओके. जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट चलेगा उसके बीच में हम वो भी पार्ट कवर करेंगे, ठीक है. तो ये हमारा नावर कंपोनेंट था कि रिस्पॉन्सिव नावर कैसे डिजाइन करेंगे, ओके. ये हमारा पार्ट था जिसमें उसका एक एग्जाम लाइव करके देखा था कि कैसे हमने डेवलप किया था बूटस्ट्रैप का नावबार, ठीक है. ये हमारा नावबार था जिसके अंदर हमने सब मेनू कैसे क्रिएट करते हैं, ये डिसेबल वगैरह, सर्च बटन, ये हमारा पार्ट था बूटस्ट्रैप का नावबार, ओके. आफ्टर दैट कैरोसल, कैरोसल मतलब उसको स्लाइडर बोलते हैं. स्लाइडर मतलब आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, एक पैरेंट लेना है कैरोसल, उसके अंदर कैरोसल इनर, देन कैरोसल आइटम. अब ये देखने से आपको नहीं समझ आएगा, जो हमने लास्ट में कोड आपको मैंने प्रॉपर वे से टाइप करके एक्सप्लेन किया था तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट. ठीक है, तो आप उस सेशन को देख सकते हो. ये देखो हमने एकदम अट्रैक्टिव क्या किया था, कैरोसल डिजाइन किया था, जो हमने ये सीएसएस का यूज करके उसको डिजाइन किया था, ये इंडिकेटर्स को, ठीक है. ये हमारा लास्ट वाला पार्ट था, ये नेवबार एंड कैरोसल स्लाइडर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक एप्लीकेशन जो डेवलप होगा उसके लिए नेवबार तो चाहिए आपको एंड वो रिस्पॉन्सिव चाहिए. ये देखो रिस्पॉन्सिव है, ठीक है. ये आपको टॉगल, हाइड शो सब करके देगा, ठीक है. सो अभी हम आते हैं हमारे ग्रिड सिस्टम पे, आपको वेबसाइट्स को करना है अभी रिस्पॉन्सिव, ठीक है. सो आज हमारा day 6 है जो बूटस्ट्रैप के अंदर हम देख रहे हैं, कंट्रोल एन. प्लीज फोकस, आज का जो पॉइंट है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो यह मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, day 6 बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम डॉट एच टी एम एल, ओके. सो सेव, फाइल को सेव करने के बाद ये आपका बॉयलर प्लेट लोड करने, बॉयलर प्लेट लोड करने के बाद आपको यह स्टार्टर टेम्पलेट भी ले सकते हो डायरेक्टली,
ठीक है, अभी ओवरऑल आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि एक्चुअली डेवलपमेंट को करते कैसे, ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज करके आपको हर एक चीज यार रेडीमेड मिलता है। आप जब हैंड्स ऑन हो जाएगा ना तो यू कैन कॉपी पेस्ट द कोड, बट इनिशियली कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है। सो ये देखो उन्होंने CDN वगैरह सब लोड करके रखा है, मुझे सेपरेट नहीं एक ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट के CDN को नीचे लोड करके रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को नीचे क्यों लिख रहे हो, CSS को ऊपर क्यों ऐड किया, वो अभी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, आगे हम देखेंगे। सो सबसे पहले आपको यह ग्रिड सिस्टम क्या करना है, तो ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली यूज टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव या टू बिल्ड लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेब पेज। मतलब अभी जो CSS मैंने वो वहां दिखाया था कि आपका ये मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम है जो आपका लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आपके वेब पेज का ये आपको काम आता है, ठीक है। ओके, सो मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड सिस्टम टू बिल्ड लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अवर वेब पेज। वेब पेज का आपको लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिव लेआउट डिजाइन करने के लिए काम आता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अभी मुझे ये बताओ सिंपल CSS के अंदर, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल लिया था हमने, राइट, कि आपको फॉर एग्जाम्पल CSS के अंदर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए क्या कर रहे थे, विच कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। यस एनी वन, निखिल, स्नेहल, और जो जिसका पेंडिंग है प्लीज कंप्लीट करो, ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आपके समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, एक फ्लो में रहो, ठीक है। लास्ट तक मुझे सिर्फ, मेरा टारगेट है 15 इंटर्न्स मुझे लास्ट तक चाहिए, ठीक है। सो वो आपको ऑलरेडी है, ठीक है। तो जो सीरियस जिनको डेडिकेशन से सीखना है रिएक्ट वगैरह, जिनको कुछ जॉब्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर नॉलेज देना है, वही मुझे चाहिए, ठीक है। एंड ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वो किया है, ठीक है। सो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओ कि करो, सीरियसली करो, ठीक है। अदरवाइज करना है तो अच्छे से करना है, अदरवाइज नहीं किया तो बेटर है, राइट। तो जिस चीज़ को आपको प्रॉपर से करना है, तो आप इसको इन डेप्थ करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छे से करोगे। सिर्फ सिर्फ करने से आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब हाफ नॉलेज इज डेंजरस है। करना है तो इन डेप्थ करो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को लास्ट तक करो, ओके। बीच में से छोड़ने से आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब ना आप इधर के हो ना उधर के, ठीक है। करना है तो लास्ट तक अच्छे से करना है आपको, अदरवाइज इससे बेटर कि नहीं करना हो, राइट। तो इसको एंड तक लर्न करो, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। आधे से जाओगे, बीच में से जाओगे, तो ना आप बेसिक क्लियर होगा, ना आपका एडवांस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका एक, आप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाओगे, ना आपको ये समझ क्या करना है, ठीक है। यस ठीक है, तो क्या किया था हमने CSS के अंदर रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। यस फास्ट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए CSS के अंदर विच कॉन्सेप्ट्स यू लर्न। ओके गुड, मीडिया क्वेरी गुड, HSL इफेक्ट नो, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी, ठीक है। मीडिया क्वेरी यूज किया था हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, लाइक आपको विड्थ आपने दिया 50%, ठीक है। मतलब आपका डेस्कटॉप पे आपको विड्थ रखना है 50%, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ओके। हमने क्या किया था, एग्जांपल विड्थ लिया था 50%, मतलब डेस्कटॉप पे 50-50 के दो चाहिए था, तो अभी मोबाइल पे आपको उसका वन बॉक्स पर रो चाहिए था, तो आप विड्थ चेंज करके क्या कर रहे थे, 100% मोबाइल पे। मतलब जो बॉक्स आपका 50% डेस्कटॉप पे है, आप उसी बॉक्स का विड्थ आप क्या करो मोबाइल पे 100% करो, ओके। ये था आपका CSS का मीडिया क्वेरी लिख के आप ऐसे काम कर रहे थे, मतलब विड्थ आपका 50% डेस्कटॉप पे, ओके। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एंड मोबाइल पे आप क्या कर रहे थे, उसको विड्थ 100% कर रहे थे, ठीक है। ये आपका लाइक मीडिया क्वेरी काम कर रहा था, ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो रहा है स्मॉलर डिवाइस पे, तो आप फॉन्ट साइज कम कर रहे थे। आपने लार्ज डिवाइस पे पैडिंग दे के रखा होगा, मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दे के रखा होगा, तो आप मोबाइल डिवाइस पे उस मार्जिन पैडिंग को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे।
वही रिस्पॉन्सिव के लिए थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। बहुत सारा मेटा क्वेरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, तो सीएसएस से रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। बट आपको लेआउट डिजाइन करने के लिए सीएसएस का ग्रिड लगे, जो अभी हम यहाँ बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम को लर्न करें, जो सीएसएस का ग्रिड सिस्टम ही है जो आपको इसके अंदर क्लासेस के अंदर अभी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट। तो अभी ये देखो रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव यूआई डिजाइन करने के लिए आपको ये बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आता है विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट का डिजाइन करना होगा, तो आपको ये काम आएगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए ग्रिड सिस्टम। ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूआई विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो बूटस्ट्रैप के अंदर आपका सबसे पहले आपको एक 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम आता है, 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम जो आपको सीएसएस का मतलब वही 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम आपका बूटस्ट्रैप के अंदर होता है टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव लेआउट, टू बिल्ड लेआउट 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। आप इसको याद रखो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम, जो आगे आपको मटेरियल वायर को सीखोगे तभी ये काम आने वाला है। ओके, तो ये आपका ग्रिड सिस्टम का एक थियोरेटिकल पार्ट हो गया कि एक्चुअली आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको ग्रिड सिस्टम काम आने वाला है। ठीक है, तो फिर से वही देखो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम आपका बूटस्ट्रैप के अंदर होता है, और इसके अंदर आपके डिवाइसेस देखो, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइस के हिसाब से आपको डिजाइन करना है। एसएम मतलब स्मॉल, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब एक लार्ज, एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, एंड डबल एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अभी ये 4.6 में जाता हूँ मैं पहले, एंड ग्रिड सिस्टम को फिर से सर्च करता हूँ, तो आपको यार डबल एक्सेल नहीं मिलेगा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पार्ट आता है वो बेसिक है, वो समझ आएगा आप। तो यहाँ देखो ठीक है 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है, अभी वो डिवाइसेस का उन्होंने नीचे दिया होगा। ठीक है, बट वही पार्ट है ये देखो, एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब एक्सएस, सीएस मतलब स्मॉल, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब आपका लार्ज, एंड एक्सेल मतलब आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अभी आपको थोड़ा क्लिक हो रहा होगा, आप जब रिस्पॉन्स वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे तो आप ऐसा ही विड्थ था ना आपका, कि सबसे पहले आप दे रहे थे मोबाइल के लिए मैक्सिमम विड्थ कुछ 767 ऐसे दे रहे थे, उसके बाद आपका मिनिमम विड्थ 768, 927, 1200, ये आपका भी ये सब ये यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही पार्ट विड्थ वगैरह जो उन्होंने दे के रखा है आपको यूज करना है। तो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम होता है। तो अभी मुझे बताओ, सबसे पहले आपको मैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास बताया था डे फर्स्ट के अंदर, जो रिस्पॉन्स वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको काम आता है, कौन से दो क्लास है वो देखते हैं किसी को कितना कितना याद रहा है। ठीक है, हम रिविजन करेंगे डोंट वरी, बट अभी तक आपका कितना प्रैक्टिस है वो मुझे समझ आएगा। कौन से दो इंपॉर्टेंट क्लास बताए थे मैंने जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको पहले काम आएंगे, वो ग्रिड को तो बाद में देखेंगे, बट पहले दो क्लास कौन से हो डे फर्स्ट याद आ रहा है किसी को? यस गुड, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर क्या करता है, ये आउटसाइड से आपको स्पेसिंग देता है, ये कंटेनर आउटसाइड स्पेसिंग, एंड कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, फुल विड्थ बॉक्स देता है आपको, फुल विड्थ कंटेनर। ठीक है, एंड कंटेनर क्या करता है, आउटसाइड से स्पेसिंग, मार्जिन पैडिंग वगैरह मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ के देता है वो। ठीक है, मतलब एक कंटेनर टाइप का होता है एंड एक कंटेनर फ्लूइड होता है, मतलब कैसे ये ट्यूब, ये ग्लास कंटेनर, उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं पीजी डार्क। ठीक है, अंदर से थोड़ा पैडिंग देता हूँ पैडिंग 3, एंड उसके अंदर लिखता हूँ मैं आपका, इसके अंदर एक कर्निक नॉर्मल एक हेडिंग देता हूँ। ठीक है, ये H1 हेलो ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब एक कंटेनर क्या करेगा, आपको एक कंटेनर देगा बट एक कंप्लीट विड्थ का नहीं रहेगा, ये थोड़ा स्पेसिंग छोड़ के देगा। ये देखो इसको बोलते हैं कंटेनर, ये स्पेस दे रहा है ना, एंड टोटल विड्थ आपको चाहिए ना, तो आप इसके लिए लोगे कंटेनर फ्लूइड। ठीक है,
इसको बोलते हैं ये दोनों क्लास, जो आपका वेबसाइट डिजाइन करने का फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने का प्रॉपर लेआउट डिजाइन करने का फर्स्ट स्टेप हो गया कि आगे से आपको जो काम करना है किसी प्रोजेक्ट के अंदर या वट एवर कोड, तो आपको सबसे पहले लेना है कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। इसको बोलते हैं कंटेनर एंड ये कंटेनर फ्लूइड। तो अभी इसके अंदर आपका काम स्टार्ट। तो अभी इसके अंदर क्या होता है, ग्रिड सिस्टम के अंदर होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब आपको यार सबसे पहले आपको यार अभी चाहिए रोज एंड कॉलम्स। अभी एक ग्रिड हो गया आपका, मतलब कंटेनर या कंटेनर फ्लूड आप लोगे, बट इन बूटस्ट्रैप ग्रिड देयर इज ए रोज एंड कॉलम्स। थ्योरी में मत जाओ, ठीक है, प्रैक्टिकली लर्न, याद रखो चीजें। तो सबसे पहले ये दोनों में से कोई एक क्लास रहेगा, तो डिव डॉट कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड आपने लेने के बाद आपको सबसे पहले, अभी यार 12 कॉलम है एंड कॉलम्स के लिए आपको चाहिए रो, ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स आपको यहाँ होता है। तो सबसे पहले आपको कॉलम को स्टार्ट करने से पहले आपको लेना है डिव डॉट रो। प्रॉपर समझाओ मैं ग्रिड सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर क्या करोगे, कॉलम्स को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी आपको यार 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है, तो अभी इस रो के अंदर क्या करोगे, आप कॉलम के हिसाब से क्या करोगे, ग्रिड सिस्टम को डिजाइन करोगे। कैसे, 12 कॉलम, तो 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है, तो आपको यहाँ क्या करना है, कॉलम वाइज आपको उसको डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मैं सिंपल लेता हूँ रो, एंड रो के अंदर आपके आएंगे कोल, मैं सिर्फ कॉलम्स ले रहा हूँ, तो डिव एंड उसके मैंने सिर्फ लिखा है कोल। मतलब ये क्या करेगा, अभी हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कोल लिखा है, अभी आगे हमें क्या करना है, डिवाइस के हिसाब से करना है, स्मॉल के लिए अलग, लार्ज के लिए अलग, जो आपको मैंने डिवाइसेस बताया था, एसए मतलब स्मॉल, एलजी मतलब लार्ज, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब लार्ज एंड एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, एंड डबल एक्सेल भी है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, मतलब बड़े बड़े स्क्रीन होता है जो ट्रेडर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वो पार्ट है, या कोडर्स भी यूज करते हैं बड़ा स्क्रीन। तो ये आपका कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, रो एंड रो के अंदर आपको कॉलम को लिखना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ मैंने सिर्फ कोल लिखा है, तो चलो अभी इसके अंदर थोड़ा कोड लिखता हूँ मैं, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ आपका, वो आपका फाइनल कोड रहने वाला है, बट उस वहां तक लेके जाने के लिए पहले मैं आपको एकदम स्मूथली, आपको समझ आएगा इस लेमन टर्म में, आपको मैं लेके जाता हूँ उस फाइनल तक। पहले समझो ग्रिड सिस्टम का काम होता कैसे। तो यह लिखता हूं मैं कोल ग्रिड सिस्टम, प्लीज एकदम इंपॉर्टेंट फोकस से अटेंड करो इस पार्ट, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले वाला कुछ आना चाहिए, सिर्फ ये दो क्लास याद रखो। तो कोल एंड इसके अंदर H1 ग्रिड सिस्टम मैंने लिया है, एंड इसको क्लास देता हूँ टेक्स्ट लाइट एंड टेक्स्ट सेंटर। तो अभी देखो मैंने सिर्फ कोल लिखा है, मैंने अभी बाकी कुछ भी नहीं लिखा है, बिकॉज यार 12 कॉलम रहेंगे, तो एक कॉलम आपका यहाँ आ गया, एंड देखो अभी आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने उसको पहले बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा रो को, तो रो को मैं कलर देता हूँ बैकग्राउंड या कॉलम को ही देता हूँ, चलो डायरेक्ट बीजी इन्फो। तो अभी मैंने कॉलम को कलर दिया बीजी इन्फो, तो देखो उसने कितने कॉलम लिया है, टोटल 12। अभी आपको थोड़ी कैसे समझ आएगी 12 ले रहा है कि कितना ले रहा है, तो देखो अभी मैं फिर से कॉपी करके मैं फिर से कॉल लेता हूँ एंड बीजी उसको देता हूँ अभी डार्क, एकदम समझो प्रॉपर। अभी एक कॉलम इसने इसने दूसरा लिया, मतलब देखो अभी उसके 6 6 के दो पार्टीशन हो गया, मतलब अभी ये 50% ये 50 ले रहा है, मतलब ये सिर्फ कॉल क्या कर रहा है, ये कॉल ये आपका ऑटो रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है, ऑटो रिस्पॉन्सिव डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट कंटेंट साइज। मतलब यह देखो मैं दूसरा लिया तो उसको एडजस्ट करके वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है विड्थ। अभी यहाँ लेता हूँ मैं बीजी प्राइमरी और एक चवन लेके उसके अंदर लिख लाऊ कोल ग्रिड सिस्टम। अभी देखो उसके तीन पार्टीशन हो रहे हैं, मतलब ये क्या करता है, आपके कंटेंट के हिसाब से क्या करता है, ग्रिड सिस्टम को लेआउट डिजाइन करता है। अभी लेता हूँ मैं तीन,
उसके बाद कॉपी पेस्ट, या देता हूँ प्राइमरी की जगह सक्सेस। अभी कितने हो गए, 4, 5 एंड 6। तो देखो अभी 6 लिया, अभी टोटल 12 है। तो सक्सेस के बाद यहाँ लेता हूँ मैं आपका सेकंडरी, सेकंडरी के बाद यहाँ लेता हूँ, यहाँ प्राइमरी रखता हूँ, उसके बाद लेता हूँ मैं आपका अर्निंग। अभी कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। देखो करे क्या ऑटो रिस्पॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या कर रहा है आपके वेबसाइट को, क्या कर रहा है मतलब ये जो कंटेंट इसके अंदर ले रहा हूँ इसको ऑटो रिस्पॉन्सिव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको लेना है कंटेनर या कंटेनर फ्लेट, देन रो, एंड रो के अंदर मैंने सिर्फ कॉल लिखा है, अभी तक हमें प्रॉपर फाइनल नहीं जा रहे है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ कि पहले कॉल कैसे काम करता है। तो कॉल ऑटो रिस्पॉन्सिव करता है, डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट के हिसाब से वो ऑटो रिस्पॉन्सिव करा है। देखो 7 हो गए, चलो मैं आपको और लेके दिखाता हूँ। 7 के बाद 8, या फिर से प्राइमरी रखता हूँ, या 9, एंड इसको कलर देता हूँ मैं आपका ऑर्निंग। उसके बाद आपका 10, 10 के बाद आपका 11 एंड 12। देखो मैंने 12 कॉलम लिया, अभी सिर्फ ड्यू उसको कॉल क्लास दिया मैं, या डार्क देता हूँ, एंड इसको देता हूँ मैं आपका डेंजर। देखो अभी 12 कॉलम आ रहे होंगे, एंड देखो अभी हुआ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके फर्स्ट रो पे आ गए। एंड उसके बाद क्या हो गया, नीचे जो एक्स्ट्रा 4 हमने लिया था वो आपका नीचे लाइन पे आ गए। रीजन इज ये आपका कॉल क्या करता है, ऑटो रिस्पॉन्सिव करता है, उससे कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। देखो अभी उसको भी ऑटो रिस्पॉन्सिव मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो देखो अभी लार्ज पे कितना है, 8 एंड 4 है, नीचे 4 आ गए। अब देखो जैसे आप उसको कम करोगे ना, देखो अभी कितना हो गया, 6 6 के 2, ये मैं नहीं कर रहा, ये ऑटो हो रहा है। देखो अभी देखो यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है अभी 5 5 आ गए, एंड ये लास्ट में 2 गए। उसके बाद देखो अभी 4 4 4 के 3 आ गए, उसके बाद अभी 3 3 के 4 आ गए। मतलब ये क्या करता है, ऑटो रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है आपका कॉल ये क्लास, ठीक है। ये सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप, कि आपको ये समझ आ रहा होगा जब आप सिर्फ कॉल लिखोगे तो ये क्या करता है, 12 कॉलम का ग्रिड होता है, जो अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा बिकॉज यार कॉलम तो या इसने 8 ही लिया है ना, और नीचे आ गए। ये कैसे हो रहा है, ये कंटेंट के हिसाब से क्या कर रहा है, कंटेंट के साइज से हिसाब से, साइज के हिसाब से ये क्या कर रहा है, उसको ऑटो रिस्पॉन्सिव करने का काम करता है आपका ये कॉल क्लास, ठीक है। सो होप गाइज यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया मिला होगा कि हर एक क्लास आपका काम कैसे करा है। जैसे कंटेंट लोड हो रहा है वैसे ये आपको ऑटो रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ये हो गया बेसिक। अब हम इसके थोड़ा आगे जाते हैं, जो अभी आपके थोड़ा काम का चीज है, तो अभी इसको मैं फ्रेश काम करूंगा, मैं उसी के अंदर नहीं करूंगा। बट हमें क्या चाहिए, आपको डिवाइस के हिसाब से चाहिए ना। नाउ वी वांट प्रॉपर लेआउट फॉर एनी स्पेसिफिक डिवाइस, मतलब लार्ज के लिए आपको ये चाहिए, आपको स्मॉल के लिए ये चाहिए, मतलब स्पेसिफिक डिवाइस के लिए चाहिए मतलब। तो डिवाइस मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फिक्स चाहिए आपको, फिक्स साइज ग्रिड सिस्टम को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब फिक्स साइज मतलब आपको डिवाइसेस बताता हूँ पहले, चलो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको फिर से रिवाइज करता हूँ। डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, ओके। एसएम मतलब स्मॉल डिवाइसेस, एमडी मतलब मीडियम, एलजी मतलब लार्ज। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, आपको एलजी मतलब लार्ज के लिए। उसके बाद एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल मतलब डबल एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर का ऐड हुआ है। ये 4 तक आपका सिर्फ यहाँ तक है। अब ये चीजें मैं आपको समझ आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये स्मॉल तक के लिए यहाँ तक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ये 5 का फीचर है, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इनिशियली, बट देखो ये हो गया डिवाइसेस। मतलब इसका यूज करके काम कैसे करोगे आप कैसे लिखोगे, आ देखो सबसे पहले आपका कोड आएगा लार्ज के लिए, लार्ज के बाद आप जाओगे मीडियम के लिए, मीडियम के बाद आप जाओगे एसएम के लिए, एसएम के बाद एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जाओगे, ऐसे आपका काम होता है। मतलब एक्सेल देन एलजी देन मीडियम देन स्मॉल देन एक्स्ट्रा स्मॉल,
इस वे से आपका वेबसाइट क्या करेगा, आप डिजाइन करोगे, मतलब कैसे कि मुझे कॉल एल जी पे ना 6-6 के दो चाहिए ऐसे, मतलब कॉल एल जी के 6-6, बिकॉज टोटल कितना कॉलम है आपका, 12, एक रो पे आपके 12 कॉलम है सिर्फ, एक रो पे मतलब ये स्क्रीन ये 12 कॉलम का बना है बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ 6-6 के दो, मतलब इनडायरेक्टली आप उसको वेट कितना दे रहे हो, 50-50%, मतलब ड्यू का यूज करोगे तो ये हो रहा है ना इनडायरेक्टली, तो इसको आप इनडायरेक्टली आप वेट दे रहे हो 50-50, मतलब 6-6, बिकॉज टोटल 12 कॉलम मतलब आपका 100% विड्थ। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, डोंट वरी। ऐसे कॉल एल जी, कॉल एम डी, कॉल एस एम, ऐसे काम करोगे डिवाइस के हिसाब से। तो देखो अभी स्क्रीन ब्लैंक है, ठीक है, वो पहले वाला आउटपुट ऊपर वाला है, मैं एक एच आर देता हूँ, एक पी आर देता हूँ, और अभी यहाँ लिखता हूँ मैं एच वन टैग के अंदर फिक्स साइज ग्रिड सिस्टम, ठीक है। अभी देखो एक सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, एंड थर्ड स्टेप में आपको एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम स्मार्ट वे से कैसे डेवलप करना है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को। तो ठीक है चलो अभी देखो, सबसे पहले डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर बार बार नहीं लेना होता है, बट अभी मैं ये ऊपर वाला अलग पार्ट रख रहा हूँ एंड इसको बार अलग रख रहा हूँ, ठीक है। सो कंटेनर का स्पेलिंग, उसके बाद आप क्या आएंगे रो, मुझे कंटेनर चाहिए, मुझे कंटेनर फ्लूइड चाहिए, फुल विड्थ चाहिए ना मुझे, एंड रो, एंड रो के अंदर आपका आएगा ग्रिड मतलब कॉलम्स। तो कॉलम्स अभी देखो हमें क्या करना है, हमें डिवाइस के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिव करना है। तो चलो देखो कैसे, अभी यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ लेता हूँ डिव डॉट कॉल 6, अभी मैंने कॉल 6 लिखा, एंड यहाँ एच टू के अंदर लिखता हूँ, उसको क्लास देता हूँ मैं आपका टेक्स्ट लाइट। अभी देखो मैं पहले क्या लिख रहा था, सिर्फ कॉल लिख रहा था, वो ऑटो रिस्पॉन्सिव करता है, अभी यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉल, ओके okay, अभी देखो मैं कॉल लिख रहा हूँ सिर्फ सिर्फ कॉल, एंड उसके बाद 6, मतलब ये अभी आपको समझ आएगा 12 कॉलम मतलब क्या। तो यह लिखता मैं कॉल 6, कॉल 6 ग्रिड सिस्टम। अब देखो इसको मुझे देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर इस कॉलम को, तभी आपको समझ आएगा वो कितने कॉलम ले रहे। रो को दोगे तो ये कंप्लीट अप्लाई करेगा, बट मुझे 6 को ही चाहिए सिर्फ। तो अब देखो मैंने कॉल 6 लिखा है, अभी ऊपर वाला इग्नोर करो, नीचे फोकस करो, पहले कॉल लिख रहे थे, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ कॉल 6, कॉल 6 मतलब इसने देखो 50% पार्ट लिया। उसके बाद में मुझे और एक 6 चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉल 6। तो अभी आपका क्या होगा, ये आगे वाले 6 को लेगा, ना आपको अभी फ्लोट लेफ्ट करना है, ना आपको इसको कुछ करना है, सिंपल 6-6 के दो मतलब टोटल 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम आपका कंप्लीट। अभी आपको या 6-6 के दो लेना है, या पहले 10 लेना है बाद में 8 लेना है, सॉरी 2 लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको थोड़ा क्लिक हो रहा होगा, जैसे हम ड्यू के अंदर काम कर रहे थे ना, मतलब इनडायरेक्टली उसको विड्थ बोल रहा हूँ 50%, इसको विड्थ 50%, बट आपको भी कॉल 12 का काम करना है, 12 कॉलम का, 6-6 मतलब 50-50 दो पार्टीशन, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अभी मुझे ये बताओ, या मुझे 3 पार्टीशन कर आपके लेआउट का सिंपल, ये देखो ये रो, एंड इस रो के अंदर आपको 12 कॉलम काम करना है, इतना याद रखना है। अभी 6-6 मतलब वो तो काम हो गया, अभी जो मैं नेक्स्ट कॉलम लूंगा ना, मतलब वो वट एवर वो एक भी होगा, तभी वो अभी आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट रो पे आने वाला है। देखो ये नीचे आ गया, इसके आगे नहीं जाएगा बिकॉज टोटल 12 कॉलम कंप्लीट हुआ है। तो आप बताओ मुझे 3 पार्टीशन मुझे करना है, तो कॉल को क्या लिखूं मैं, कितने ड्यू आएंगे, एंड उस ड्यू के अंदर आपका कॉल कितना आएगा हर एक ड्यू को, फास्ट बताओ। अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, यस कॉल 4 आएगा, गुड निखिल, यस गुड पूजा प्राची, ड्यू 3 आएंगे, ओके बाकी भी रिप्लाई करो प्लीज, सबको समझ आ रहा होगा, यस गुड अस्मिता, मतलब सबसे पहले आपको आपने कहा कि ड्यू 3 लो, तो चलो ड्यू 3 लेता हूँ। तो सबसे पहले ड्यू इंटू 3, एंड इस ड्यू इंटू 3 के अंदर क्या करना है मुझे, आपने कहा वही करता मैं कि आप बोल रहे हो कि कॉल 4-4 पर, एंड एच टू लो, एंड यहाँ एक
सिंपल लिखता हूँ, कोल फोर ग्रिड सिस्टम। अब ये मल्टी लाइन जो कोड लिख रहा हूँ उसके लिए कर्सर लेना होता है आपको मल्टी लाइन पे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन की, ठीक है। शॉर्टकट आप यूज मत करो इनिशियली, आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे कैसे करना। देखो डेवलपमेंट फास्ट वे से करने के लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स होता है जो आगे आपको मैं बताऊंगा, अभी नहीं, बिकॉज आपको इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है वो बेसिक बेसिक चीजें के लिए, ठीक है, वो तो आपको मालूम है। तो अब देखो इसको मुझे देना पड़ेगा कलर, एक को देता हूं मैं ऑर्नी, दूसरे को देता हूं मैं आपका डेंजर। जब तक कलर नहीं दोगे तब तक समझ नहीं आएगा, ये फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, जब मैं ड्यू टैग सिखा रहा था उसी टाइम यही बोल रहा था कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते जाओ तभी समझ आएगा कहाँ क्या हो रहा है। तो देखो कोल फोर का एक, कोल फोर का दो एंड फोर, टोटल आपके हो गए 12 कॉलम। तो देखो 4 + 4 + 4 ये हो गया आपका 12 कॉलम ग्रिड। अभी आप बोलोगे और एक लेके दिखाओ, तो ठीक है ये अभी आपका आएगा नेक्स्ट रो पे, बिकॉज ये 12 को ही लेता है, ठीक है। अभी क्लियर है क्या, 12 कॉलम ही है आपका, मतलब आपको एक समझ आ रहा होगा ये 12 कॉलम कैसे लेता है। ये अभी नेक्स्ट रो पे आएगा बिकॉज उसका 12 खत्म हो गया, ये 4 4 4 सॉरी हाँ मतलब 33.33, 33.33 एंड 33.33, ऐसे टोटल हो गया 100%, मतलब कोल 12। एंड इस कोल 12 को आप क्या करो, पार्टीशन करो, ऊपर 6 के 2 या 4 के 3। अभी यह मुझे करना है 6 पार्टीशन, तो ड्यू कितने आएंगे एंड उसके बाद आपका कोल कितना आएगा हर एक के लिए, फास्ट बताओ। चलो देखते हैं आप ये आपको कितना क्लियर होते जा रहा है, फास्ट बताओ। चलो अभी एवरीवन अदर मेंबर्स प्लीज रिप्लाई। यस गाइस प्लीज, गुड, ड्यू 6 आएंगे एंड कोल 2 आएगा, ग्रेट। तो ड्यू इंटू 6 एंड इसके अंदर आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपको यह लेना पड़ेगा कोल, तो ड्यू इंटू 6 एंड इसको आप क्लास दोगे, क्या क्लास दोगे, कोल 2 के। कैसे किया आपने, 6 सही है, तो टोटल कितना है 12, तो 12 / 6 2, तो हर एक कॉलम को आपका आएगा 2, गुड। एंड बीजी डार्क एंड इसको देता हूँ मैं आपका बीजी इन्फो, इसको डार्क इन्फो ऐसे में अल्टरनेट कलर रखता हूँ, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको कुछ लेना पड़ेगा तभी वो दिखेगा, बिकॉज वो ड्यू टैग है H2 एंड लिखता हूँ कोल 2 ग्रिड सिस्टम। अभी देखो मैं रिस्पॉन्सिव भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, पहले कॉल लिख रहा था ऑटो रिस्पॉन्सिव, अभी क्या कर रहा हूँ मैं फिक्स साइज दे रहा हूँ उसको, अभी डिवाइस के हिसाब से नहीं दे रहा मैं सिर्फ फिक्स दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ ये भी यूज भी नहीं किया हमने एक्स्ट्रा स्मॉल वगैरह, मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ कॉलम दे रहा हूँ उसको 2 12 वगैरह। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके आगे टोटल 12 कॉलम, इसका 6 पार्टीशन आपने किया। एंड इसका ये रूल नहीं कि आपको इक्वली करना है, आपको जैसे करना है वैसे करो, कि आपको 2 पार्टीशन अभी करना है 8 एंड 2 का तो कर सकते हो ना आप। तो कैसे, div डॉट कोल 8 H2 या लिखता हूँ कोल 8 ग्रिड सिस्टम, मतलब ऐसा रूल नहीं कि इक्वली चाहिए वो। एंड या 8 लेने के बाद अभी मुझे ये बताओ, मैं फिर से 8 लिया तो उसी लाइन पे आएगा कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ये आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है। चलो आपको कितना क्लियर है पॉइंट्स मुझे समझ आएगा, चलो बताओ। अभी यहाँ मैंने कोल 12 8 लिया और उसके बाद मैंने 8 लिया तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा 8 या उसी लाइन में एडजस्ट करेगा 4 को, बिकॉज 4 पेंडिंग है सिर्फ, बस पहले वाले ने 8 लिया ना। यस गुड, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे क्यों जाएगा, आपने ये कंसिडर किया कि यस टोटल 12 है, उसने 8 लिया तो ठीक है पेंडिंग 4 है, बट बाद में आपने 8 लिखा है तो उसी लाइन पे नहीं, वो आपका जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, गुड। तो देखो 8 पेंडिंग सिर्फ 4 थे, बट वो नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज टोटल 12 कॉलम ही है, तो आगे जाएगा आपका 8 वो ऐसे ही रहेगा अभी। एंड अभी नेक्स्ट में 4 लूंगा तो कहाँ आएगा वो, डार्क के साइड में आएगा कि प्राइमरी के, ऑब्वियसली डार्क के बाद ही आएगा ना, बिकॉज ऊपर वाला काम तो एंड हुआ है, ऐसा थोड़ी को पेंडिंग है तो उसको फिल करेगा एंड देन नीचे आएगा, ऐसा काम नहीं करेगा वो, आगे काम कंटिन्यू करेगा, वो पहले नहीं देखेगा, ठीक है। सो या H2 एंड यहाँ लिखता हूँ
4। आपको एक बार सिंपल ये समझ आ रहा है ना कि ग्रिड काम कैसे करता है टोटल 12 में, तो बाकी आपके लिए इजी। सिंपल याद रखना है, एक लेना है कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, रो लेना है, और रो के अंदर आपको अभी तक जो बताया उससे ये काम हो रहा है, बट इससे आपको स्मार्ट वे करना है, रिस्पॉन्सिव करना है डिवाइस के हिसाब से। ये अभी फिक्स है, देखो 4 ये आ गया। फिक्स मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऊपर वाला जो सिर्फ कॉल लिख रहे थे वो ऑटो रिस्पॉन्सिव, ये कॉल मतलब अभी क्या हो रहा है, देखो ये आपका अभी फिक्स हुआ है। फिक्स हुआ है मतलब देखो स्मॉलर पे जाओगे तो 6 6 के 2 ही रहेंगे, 4 के 3 ही रहेंगे, 2 2 के 6 ही रहेंगे। ये देखो एज इट इज जो आपका लास्ट डिवाइस पे था वैसे एज इट इज ये ग्रिड आपका फिक्स है ये, और ऊपर वाला ऑटो है उसको हम सिर्फ कॉल लिख रहे थे। ये समझो दोनों में डिफरेंस, कॉल सिर्फ लिखोगे तो ऑटो रिस्पॉन्सिव, अभी यहाँ मैं फिक्स कराऊ कि 6 6 के 2 ही चाहिए, तो ये तो हर डिवाइस पे 6 6 करा। देखो स्मॉलर पे जाओ टैबलेट पे जाओ कुछ चेंज हो रहा है क्या, यस और नो प्लीज रिप्लाई एवरीवन। टोटल काउंट ये रिस्पॉन्सिव है क्या, फिक्स हुआ है लास्ट अभी जो लिखा है हमने कॉल 4 कॉल 2 कॉल 8 कॉल 6 कॉल 4 ये सब लिखा है, ये फिक्स है कि फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स हुआ है ना। देखो आप लास्ट पे जाओ उतना ही कॉलम रह रहा है 6 6 के 2, यस गुड, ये आपका फिक्स हुआ है अभी, मतलब हर डिवाइस के लिए ऑल डिवाइस के लिए, बट ये तो नहीं चाहिए हमें। बट आपको ये पॉइंट या ये क्लियर हुआ है कि 12 कॉलम का काम होता कैसे, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं अभी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक फिक्स साइज, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं करता हूँ न्यू फाइल क्रिएट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो अब इसके अंदर देखो आपका थोड़ा भी कोर पार्ट पे हमारे बूटस्ट्रैप के ग्रिड पे, पहले हम सिर्फ कॉल यूज कर रहे थे ऑटो रिस्पॉन्सिव हो रहा था, अभी बाद में हमने फिक्स को सीखा 12 कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यस। एंड अभी हम देखते हैं आपका बूटस्ट्रैप का स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक साइज कैसे देना है, एंड वो देखने के बाद आपको इस लास्ट में एक स्मार्ट वे बताऊंगा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम का काम कैसे एकदम सिंपल वे से करना है। तो बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक डिवाइस ग्रिड सिस्टम, .html सेव बॉयलर प्लेट लोड, सॉरी वो टेक्स्ट फाइल हुआ है, जस्ट अ मिनट, HTML, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये लगेगा क्या, सीडीएनएस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लिंक्स, तो बूटस्ट्रैप का मिलेगा कंट्रोल सी बॉयलर प्लेट लोड, उसके बाद आपका यहाँ CSS का सीडीएन, एंड देन आपका जावास्क्रिप्ट का सीडीएन, ठीक है। ये कैरोसेल वगैरह इसके लिए सब यही चाहिए आपका, ये ऑटो नहीं होगा, ओके। तो इसको भी लोड करके रख लो बंडल विथ पॉपर, बिकॉज आपका 4 के अंदर जेक्वेरी भी है जावास्क्रिप्ट भी है, एंड आपने कुछ याद कुछ मिस आपको समझ आ रहा है, हमने बूटस्ट्रैप 5 का ग्रिड लिंक यूज कराया लास्ट वाले पार्ट में भी उसको यूज किया हमने, अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आपने बीजी कलर टेक्स्ट ये सब यूज किया है, तो 4 एंड 5 के अंदर काम वही है, बट आपको यार 4 को यूज किया था तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो क्लासेस है ना जो 4 के 5 के अंदर काम नहीं करते ये थोड़े थोड़े डिफरेंस है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 5 को यूज करेगा, तो ये आपने ऑब्जर्व करना चाहिए था, मैंने 5 को यूज किया यार 4 को नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ हो गया क्या डिफरेंस से वर्जनिंग में, बट अपग्रेडेशन जो है हम कल देखने वाले, ओके। सो फिर से अभी देखो ग्रिड सिस्टम का काम, अभी क्या करना है हमें स्पेसिफिक डिवाइस के लिए क्या करना है, नाउ वी वॉन्ट स्पेसिफिक डिवाइस टू स्पेसिफिक ग्रिड सिस्टम, स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ग्रिड सिस्टम को अप्लाई कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं कैसे करना है। सिंपल पहले लेना है कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड, तो मैं लेता हूँ फ्लूइड। कंटेनर को कॉलम को लेने से पहले आपको लेना है रो को, विदाउट रो आपका काम स्टार्ट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या 12 कॉलम ग्रिड, एंड अभी आपको मैंने डिवाइसेस भी बताया स्मॉलर के लिए SM, लार्ज के लिए ये आपका कोड में यहाँ से लेता हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ उसको पेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, तो आपको समझ आएगा ग्रिड का काम होता कैसे।
तो अभी आपको स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक चाहिए ना, तो इसके लिए डिवाइसेस एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं काम स्टार्ट करता हूँ स्मॉलर डिवाइसेस। तो डिव डॉट कोलम SM, SM के लिए लिखता हूँ मैं आपके 4 के 3। चलो 4 के 3 करता हूँ या 12 का 1 करता हूँ, तो 12। इसको देता हूँ मैं कलर PG डार्क, और यहाँ लिखता हूँ H2 के अंदर कोलम SM12 ग्रिड सिस्टम, एंड क्लास देता हूँ मैं उसको टेक्स्ट लाइक। देखो आपको ये भी क्लिक कर रहा होगा, 4 और 5 में अंदर कोई डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, काम तो इससे भी होगा। अब देखो गो लाइव, लेट्स सी कॉल SM12, मतलब उसने आपके 12 कॉलम्स को लिया, मतलब टोटल। अभी देखो कॉल SM12 मैंने किया, मतलब हुआ क्या है, अभी जो आगे वाला जो पार्ट है ना, इसको प्रॉपरली समझो। ये आपने क्लियर किया तो आपका ग्रिड सिस्टम क्लियर, एंड ग्रिड सिस्टम क्लियर मतलब अभी तक जो आपने पास सेशंस के अंदर लर्न किया है उसको आपको इसके अंदर सिर्फ यूज करना है। जो लर्न किया उसको आपको यूज अभी सिर्फ यहाँ करना है, वो सिर्फ कंपोनेंट से लास्ट वाले पार्ट तक, बट अभी ये सबको आपको ग्रिड सिस्टम के अंदर क्या करना है, यूज करना है। तो सबसे पहले कोल देखा, उसके बाद हम फिक्स देखा कोल SM कोल 12 वगैरह। अब हम देख रहे हो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए मैंने ऐड किया SM। SM मतलब आप स्मॉलर तक 12 रखो, स्मॉल से। अभी तो स्मॉल के लिए भी 12 रहेगा, लार्ज के लिए भी 12 रहेगा, ठीक है। अभी SM के बाद अभी मुझे 6 6 के 2 पार्टीशन चाहिए, तो यह लिखता हूं मैं 2 पार्टीशन। तो यह लिखता हूं मैं आपका डिव इंटू टू, ओके ये शॉर्टकट होता है। आपको टैग 2 चाहिए तो डिव इंटू टू करो। आपको मल्टी लाइन एट ए टाइम कोड लिखना है, तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन की, कर्सर लिया मैंने क्लास, एंड यहाँ लिखता हूँ कोल SM6 के 2, एंड यहाँ लिखता हूँ H2 कोल SM6 ग्रिड सिस्टम, एंड इसको मैं अप्लाई करता हूँ कलर। ओके बैकग्राउंड कलर सेपरेट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा किसके लिए कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है। तो डेंजर, एंड यहाँ देता हूँ BG और नहीं। अब देखो क्या हो गया, स्मॉलर के लिए 2 आ गए। स्मॉलर मतलब वो एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये स्मॉल है। देखो स्मॉलर मतलब ये स्मॉलर डिवाइस के लिए, उसके आगे जाओगे तो टैबलेट, ये लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज मतलब बड़ा स्क्रीन। तो आप या एक्सेस लिखोगे ना, XS, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। अब देखो आपका यह भी क्या होगा, 6 6 के 2 हो जाएगा। अभी यह XX की जरूरत नहीं, मे बी वो आपका यार इसकी जरूरत आपको नहीं है, वो स्मॉलर डिवाइस के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं। आप यह सिंपल लिखो SM, बिकॉज इससे छोटा डिवाइस तो कोई होगा नहीं ना, तो बेटर आप डायरेक्टली इसको यूज करो SM को। तो देखो अभी यार 12 का 1 एंड 6 6 के 2। अभी कोल SM6 मतलब ये आपका भी, आप लार्ज डिवाइस के लिए जाओगे तभी ये 6 6 का ही रहेगा, बिकॉज आपने कहा कि SM6 मतलब हर डिवाइस के लिए भी 6 6 का पार्टीशन करेगा। देखो एंड 6 एंड होने के बाद एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या करेगा, उसको 12 में कन्वर्ट करा। देखो मतलब ये अभी स्मॉलर डिवाइस से आगे के लिए काम करेगा, बट उससे कम जाओगे आप स्क्रीन साइज को तो उसको 12 में कन्वर्ट करा है। देखो ऑटो कर रहा है, हम नहीं कर रहे। देखो 6 6 के 2 अभी 12, इसको बोलते हैं आपका कोल SM6। मैं अभी से स्मॉलर के लिए बोल रहा हूँ, ओके। अब याद देखो अभी मुझे करना है 3 पार्टीशन। चलो आप ही अभी मुझे रिस्पॉन्ड करो तो अभी फास्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो डिव लेना पड़ेगा मुझे 3। देखो पहले हमने सिर्फ कॉल कर रहा था, ऑटो रिस्पॉन्सिव हो रहा था, बाद में मैंने फिक्स किया 6 6 2 2, 8 8 के 8 का 1, दूसरे पर 4 का 1, उसके बाद 10 का 1 2 का 1 ऐसे। अभी मैं स्मॉलर के लिए फिक्स कर रहा हूँ कि स्मॉलर के लिए 6 6 के 2 ही चाहिए, वैसे लार्ज के लिए ये चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ये चाहिए, मीडियम के लिए ये चाहिए, ये अभी सिखा रहा हूँ आपको। एंड इसके बाद वाला स्टेप जो आपको एक प्रोफेशनल वे से डेवलपमेंट कैसे करना है वो मैं आपको फाइल मतलब वो हम देखेंगे, मतलब बेस तो वही है। तो अभी 3 की 3 करना है पार्टीशन मुझे स्मॉलर का, तो यह कोड क्या आएगा,
जो आप कॉल 4 करे थे वही आएगा, बट या ऐसे मतलब स्मॉलर से 4 4 को करो, तो H2 आने लिखता हूँ, कॉल SM4 ग्रिड सिस्टम, तो ये स्मॉलर के लिए काम होगा, इसको बीजी देना पड़ेगा आपको। यस समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यह सब बाउंसर है, लेट मी नो एवरीवन, लास्ट तक मुझे सब सही है, समझ आ रहा है तो बताओ, नहीं तो नहीं बोलो, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? आपका वो हाँ कि आपको नहीं समझ रहा तो डायरेक्टली बोल सकते हो, नहीं समझ आ रहा है प्लीज एक्सप्लेन करो। तो अब देखो अभी हमने क्या किया, देखो 4 के 3 किया, SM4 SM4 SM4, ऐसे आपका काम होता है स्मॉलर के लिए, एंड आप स्मॉलर से जैसे नीचे जाओगे तो इसको कन्वर्ट करेगा 12 में। देखो आप लार्ज पे जाओगे तो भी 4 4 ही ले रहा है, ये होता है स्मॉलर डिवाइस का काम। ओके गुड, बाकी मेंबर्स समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो टाइप करो प्लीज, तो मुझे समझ आएगा आपको क्या समझ आ रहा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बट आप रिस्पॉन्ड करते जाओ, सेशन को इंटरेक्टिव करो। सो वी आर इन अ टीम, अभी हमें एडवांस पे जाना है, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, ठीक है? तो कनेक्ट करोगे तभी आपको आगे, जब जॉब के लिए जाओगे तभी आपको ये सब चीजें, आपको इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा ना, आपके पास क्या नॉलेज हो आप आगे वाले को दिखाओगे तभी आपको जज किया जाएगा ना आपके पास क्या है, राइट? इंटरव्यूअर को आप कुछ भी नहीं बताओगे कि आप क्वेश्चन क्या है, तो उनको कैसे समझ आएगा आपका नॉलेज, ठीक है? तो दिखाओ कि आपके पास क्या है तभी वो आपको समझ आएगा सामने वाले को कि यस यू आर कैपेबल यू आर डिजर्विंग, ठीक है? तभी आपको कंसिडर हो जाएगा आपका प्रोफाइल, अदरवाइज आपको डायरेक्टली रिजेक्ट, राइट? तो नॉलेज शेयरिंग करो, ठीक है? तो ये SM, SM मतलब स्मॉलर के लिए काम किया। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मीडियम के लिए, ठीक है? मैं आपको डिवाइस के हिसाब से लेके जाता हूँ, एंड आपको सेपरेट कोड नहीं लिखना, स्मॉलर के लिए अलग मीडियम के लिए अलग, इसके लिए आपको सिंगल लाइन में लिखना होता है, स्मॉलर के लिए इतने कॉलम दो, मीडियम के लिए इतने दो, लार्ज के लिए इतने दो, बट वो ट्रिक आगे बताऊंगा, पहले इसको देखो सेपरेट सेपरेट देखो, ठीक है? अभी हमने एक एक डिवाइस को क्या करे, अप्लाई करे सेपरेटली, पहले स्मॉलर के लिए लगे, अब उसके बाद देखो मैं लेके जाता हूँ आपको मीडियम के लिए, तो लेता हूँ मैं DU, इसको आपको सेपरेट रो में लेना होगा तो यू कैन टेक, हाँ कंफ्यूज हो रहा होगा आपको तो सेपरेट लो, ये रो अलग रखो, इस रो के बाद मैं लिखता हूँ मीडियम के लिए काम, मीडियम डिवाइसेस के लिए, मैं सेपरेट एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक डिवाइस के लिए काम कैसे होता है, तो div.row एंड इसके अंदर लिखता हूँ अभी मैं, अभी इसको भूल जाओ ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, अभी मैं मीडियम के लिए दिखाता हूँ काम कैसे होता है, तो div.col MD66 के 2 चाहिए मुझे, बीजी डार्क एंड बीजी इनफो, कंफ्यूज मत हो जाओ, डोंट वरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर वे से, बट पहले ये समझो मैंने आपको अभी तक फाइनल आउटपुट नहीं बताया कोड कैसे करना, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है? H2 क्लास नेम टेक्स्ट लाइट, अनिया लिखता हूँ कॉल MD, मतलब मीडियम के लिए आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि मीडियम के लिए कुछ कोड लिख रहा हो जो 6 6 के 2 पार्टीशन करा, इतना तो क्लिक हो रहा होगा। तो अब देखो काम कैसे होता है, ये आपका मीडियम के लिए मैं बीच में एक BR लगाता हूँ, सो डोंट वरी, BR HR, देखो अभी ये ऊपर वाला बोल जाओ, अभी इसको देखो MD6 मतलब 6 6 के 2 मीडियम के लिए, मतलब जैसे मीडियम तक अभी आपके 6 6 के 2 रहेंगे, बट आप जैसे मीडियम के नीचे जाओगे ना तो अभी आपका वो काम नहीं करेगा, बिकॉज मीडियम के बाद आपका स्मॉलर डिवाइस आता है ना, देखो ये सिर्फ मीडियम एंड मीडियम से आगे के लिए ही काम करेगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मीडियम, अभी हमने लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कुछ कोड नहीं लिखा है ना, तो ये बोल रहा है कि मीडियम से अभी मैं जितना भी बड़ा स्क्रीन होगा उसके लिए 6 6 के 2 रखूंगा, बट जैसे मैं मीडियम डिवाइस के कम जाऊंगा देखो तो मैं क्या करूंगा उसको 12 में कन्वर्ट करूंगा, बट अभी उस टाइम में आपका काम आएगा आपको स्मॉलर, अभी मीडियम यहाँ तक ही काम करेगा, यहाँ तक ही देखो, एंड उसके बाद में जाओगे तो स्मॉलर, अभी ये हो गया आपका मीडियम का काम, ठीक है? अभी मीडियम के लिए मैं क्या करता हूँ 6 6 के 2 किया, अभी और करता हूँ मैं इसके अंदर 4 पार्टीशन करना, तो अभी मुझे फास्ट बताओ कि मुझे ये बताओ ड्यू कितने आएंगे एंड उसको कॉल MD क्या देना पड़ेगा, कॉल
EMD मतलब मीडियम डिवाइस के लिए, इतना ही बोल रहा हूँ मैं, बाकी सेम है कोड, कितने डिव आएंगे एंड कितना कॉल देना पड़ेगा। ओके गुड, डिव 4 आएंगे, बाकी मेंबर्स। यहाँ मैं आपको डिजाइनिंग नहीं, मैं आपको सिंपल अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, स्मॉलर कैसे काम कर रहा है, मीडियम मतलब मीडियम डिवाइस के लिए कैसे काम कर रहा है। देखो 12 हो गया मतलब उसका काम कंप्लीट, ये मीडियम मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो ये मीडियम है ना मतलब टैबलेट के लिए, अभी इसके आगे हमें काम करना है लार्जर के लिए और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, यही सीखना है हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके गुड, पोल 3 आएगा एंड ड्यू आएंगे 4, ग्रेट। या मैं सिंपल क्लास दूंगा कोल 3, सॉरी कोल MD3, वैसे आप कोल LG3, कोल XL3 करोगे मतलब एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, ये आपका क्या हो रहा है स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक कॉलम का ग्रेड, ये आपका पार्ट है। या तो BG इन्फो या H2 देता हूँ मैं सबको, कॉलम सेम रखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कोल MD3 ग्रिड सिस्टम, इसको कलर अल्टरनेट रखता हूँ, या देता हूँ सेकेंडरी, या देता हूँ मैं आपका डेंजर, इसके बाद आपको याद देता हूँ फिर से सेकेंडरी एंड डेंजर। किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, बट डाउट को लेके मत जाओ, क्लियर करोगे आप चीजें बाद में, उसको हमें टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो आप देखो, आप जैसे आप मीडियम के लिए जाओगे, देखो 6 6 के 2 एंड 3 के 4 मतलब 1 3 3 6 9 एंड 12, ये अभी आपका मीडियम से आगे काम करेगा, बट आप जैसे मीडियम के नीचे जाओगे हो गया 12 में कन्वर्ट, अभी कौन काम आएगा आपको ऊपर वाला, स्मॉलर का काम कब आएगा, देखो स्मॉलर काम करा अभी तक, देखो ये भी 12 हो गया मतलब इसका भी काम एंड, तो ऐसे होता है स्मॉल मीडियम। अभी हम आते हैं लार्ज पे, तो चलो सेम लेता हूँ मैं कोड, यहाँ सेम कोड लूंगा मैं एंड इसको याद लेता हूँ, ये काम करेगा अभी आपका लार्ज डिवाइस के लिए, ठीक है हम ये लार्ज देखते हैं लार्ज के लिए, एंड देन आपको ऐसे मल्टीपल्स डिवाइस के लिए अलग अलग कोड नहीं लिखना है, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट फाइल में दिखाता हूँ एक स्मार्ट वे से आपको सिंगल लाइन में कोड कैसे लिखते हैं, लार्ज के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अलग, वो देखते हैं। तो मैं टाइप ही करता हूँ डिव डॉट रो, एंड या अभी मुझे चाहिए लार्ज पे, अभी लार्ज मतलब आपका लैपटॉप आपका डेस्कटॉप, मीडियम मतलब टैबलेट एंड स्मॉलर मतलब आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, ओके ये पार्ट है। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन देखने के लिए आपको मैं एक टूल बता रहा हूँ, इसको आपको डाउनलोड करना है, दो ऑप्शन है, एक होता है आपका डेवलपर टूल के अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स डिजाइन देखने के लिए, आपने मीडिया क्वेरी वगैरह यूज करोगे मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तभी मैंने आपको दिखाया था आई थिंक सो। आपको क्या करना है, इसको मैं पहले सबसे पहले राइट साइड पे ओपन कर दूँ, ये जो ऑप्शन है क्या टॉगल डिवाइस, या देखो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को आप चेक कर सकते हो, या आपको स्पेसिफिक डिवाइस के लिए देखना है आईफोन के लिए कैसे दिखेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट हब मतलब टैबलेट पे कैसे देखेगा, लैपटॉप मतलब बड़ा स्क्रीन उससे भी देखना, नेक्स्ट हब मैक्स पे कैसे देखेगा, देखो एंड आपको उसको प्रॉपर वैसे देखना है ऐसे आपको स्क्रॉल करते हुए, तो आप यहाँ से देख सकते हो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है क्या नहीं। उसके बाद आपको मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है आपको मोबाइल सिम्युलेटर, इस मोबाइल सिम्युलेटर एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करो, एक्सटेंशन है क्रोम के लिए, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग टूल है वो आपका, तो इसको मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको देखो एक्सटेंशन को डाउनलोड करो। ये क्या करता है, ये आपको इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको पिन करके रखना है, तो आपको ऐसा सिंबल मिलेगा एक्टिवेट द मोबाइल व्यू, तो इसको आप जब एक्टिवेट करोगे, देखो मैं अभी डेवलपर टूल को क्लोज करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये आपको ऐसे मोबाइल डिवाइस देगा, आपको डिवाइस जो चाहिए आपके पास जो देखना है आईफोन आईपैड टैबलेट लार्ज डिवाइस, आपके एप्पल पे भी देखना है ना आपका एप्लीकेशन कैसे दिखता है, ये भी देख सकते हो, ये देखो ऐसे दिखेगा आपका वेबसाइट, आईपैड पे ऐसे दिखेगा, एप्पल सीरीज पे ऐसे दिखेगा, मैक के लिए प्रो चाहिए वो नहीं लेना हमें, फ्री में करो जब से, ठीक है। तो याद देखो ये प्रो है, मैकबुक के लिए ऐसे दिखेगा, उसके बाद आईफोन पे ऐसे देखेगा मतलब आपके गूगल पिक्सल पे ऐसे देखेगा, ये हो गया रिस्पॉन्स वेबसाइट डिजाइन करते टाइम ये टूल को आप यूज करो, ठीक है।
जो आपके लिए काम की चीज है। देखो वॉच पे ऐसे देखिए आपका वेबसाइट, लाइक बेसिक दिखा रहा हूँ मैं आपको, टूल टेस्टिंग टूल। अभी आपके जो प्रोजेक्ट किया है ना अपने सीएसएस का, उसको आई थिंक मैंने बताया था, वो नहीं भी बताया होगा तो भी अभी उसको एक्सटेंशन को डाउनलोड करो, मोबाइल सिमुलेटर। तो अभी आ देते हैं लास्ट डिवाइस पे हम काम करेंगे, एंड हम डायरेक्टली हमारे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वही हमें आज देखना है, ग्रिड सिस्टम। इसके अलावा हमें कोई लर्न नहीं करना चीज, ठीक है? तो अभी लार्ज के लिए काम करना, तो वही पार्ट आएगा फिर से, डिव डॉट कोल एल जी। अभी लार्ज पे मुझे चाहिए दो दो के छ, तो दो इसको देता हूँ मैं बीजी सक्सेस, एंड इसके अंदर H2 देता हूँ कोल एल जी टू ग्रिड, इसको देता हूँ, इसे 6 लेना पड़ेगा ना आपको, एक सक्सेस देता हूँ एंड एक देता हूँ और, नहीं ऐसे लेना पड़ेगा मुझे और, दो दो चार हो गए, कॉपी पेस्ट 8 एंड 12। अब देखो अभी ये आपका लार्ज के लिए काम किया मैंने, तो इसको मैं लगाता हूँ एक HR एंड एक BR। अब देखो अभी क्या होगा, देखो ये स्मॉलर के लिए होगा काम, ये मीडियम के लिए करेगा, आने लार्ज के लिए करेगा, मतलब कैसे? देखो अभी देखो ये 12 हो गया, इसका काम 8, अभी ये LGB 12 हो गया, अभी काम कौन कर रहा है? सिर्फ एक्टिव कौन है? स्मॉलर, बिकॉज वो स्मॉलर का काम कर रहा है। देखो अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है, 12 हो गया मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल बिकॉज वो 12 ही चाहिए। अब देखो स्मॉल के लिए काम स्टार्ट हो जाएगा, अभी कौन एक्टिव है? ये एक्टिव हो गया, बाकी सब 12 है। जैसे आप बड़ा स्क्रीन करोगे अभी आपका एक्टिव हो जाएगा मीडियम डिवाइस। देखो अभी कौन काम कर रहा है? मीडियम काम कर रहा है, ये स्मॉलर तो करेगा ही ना, स्मॉलर काम कर रहा है, मीडियम काम, बट लार्ज डिवाइस के लिए काम हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो यस आ गया क्या, कोल एलजी 12 एक्टिवेट हो गया, मतलब अभी लार्ज डिवाइस आपका एक्टिवेट हो गया। ऐसे आपका स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ग्रिड सिस्टम आपको अप्लाई करना होता है, बट आपको इसको सेपरेट कोड नहीं लिखना है, मीडियम के लिए अलग, लार्ज के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग। अभी आपको इसको सिंगल लाइन में आपको कोड लिखना है कि मुझे लार्ज के लिए इतने कॉलम दो, लार्ज डिवाइस स्मॉलर पे इतने दो, मीडियम पे उतने दो। तो अब देखो इसके लिए आपका जो फाइनल, ये आपका फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है? हम एक साथ काम कर सकते हैं क्या? यस, यही अभी आपको दिखाना है मुझे, ठीक है? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, फाइनल ग्रिड, ये अभी जो चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ वो आपका काम कर रहा है। ये आपको मैंने बेस क्लियर किया है, सबसे पहले कॉल को यूज करके दिखाया, वो क्या करेगा? जैसे कंटेंट हो गए वैसे ऑटो रिस्पॉन्सिव करेगा। उसके बाद आपको मैंने फिक्स बताया कि कॉल 12, कॉल 6 ऑल डिवाइसेस के लिए। उसके बाद आपको मैंने स्पेसिफिक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ग्रिड सिस्टम बताया, मतलब स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए अलग अलग दिखाया। ये क्या करता, पहले कॉल सबको कॉमन ऑटो रिस्पॉन्स, एंड ये ऑल डिवाइस के लिए फिक्स। तो 12 कॉलम, ये था आपका ऑल डिवाइस फिक्स लेआउट, ग्रिड सिस्टम टू ऑल डिवाइसेस, मतलब ऑल के लिए कॉमन हो रहा था ना, ऑल डिवाइसेस के लिए सेम। उसके बाद हमने क्या किया, स्पेसिफिक डिवाइस के लिए मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल। अब जो आपका फाइनल कोड है, आपको इसको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ सबको लिख सकते हो। कैसे दिखाता हूँ, शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, बॉयलर प्लेट लोड, एंड अब देखो आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन, आपको जो अभी प्रोजेक्ट के लिए आप ये कोड लिखोगे ये आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपल फॉर एग्जांपल डिव डॉट कंटेनर एंड डिव डॉट रो, अब इसके अंदर मुझे आउटपुट क्या चाहिए मैं आपको यह दिखा दो कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ देखो ये आपका काम का है यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे लार्ज डिवाइस पे ना, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए जाओ मत, कोई जरूरत नहीं, लार्ज डिवाइस पे मुझे चाहिए 6 पार्टीशन। अगर देखो मैं कोड क्या बोल रहा हूँ, 6 पार्टीशन चाहिए पर रो। उसके बाद मुझे चाहिए मीडियम डिवाइस पे, मुझे चाहिए मीडियम डिवाइसेस पे मुझे चाहिए 4 पार्टीशंस पर रो, 4 पार्टीशंस पर रो, मतलब कैसे काम कर रहा है देखो, 4 पार्टीशंस पर रो मुझे चाहिए, मतलब आप देखो कैसे काम होगा।
उसके बाद स्मॉलर डिवाइस पे मुझे चाहिए टू पार्टीशंस पर रूम, ठीक है? मतलब एक लार्ज, आप एक्स्ट्रा लार्ज को लेने तो आप एक्स्ट्रा लार्ज को भी लो, तो ठीक है। मैं यहाँ बोलता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए मुझे 6 पार्टीशंस पर रो, उसके बाद लार्ज को लेता हूँ। चलो लार्ज लार्ज डिवाइस के लिए मुझे चाहिए 4 पार्टीशंस पर रो, एंड मीडियम डिवाइसेस के लिए मुझे चाहिए 3 पार्टीशंस पर रो। 3 पार्टीशंस पर रो, ये कोड आपने बताया, मतलब आपका ग्रिड क्लियर। और उसके बाद मुझे चाहिए स्मॉल डिवाइस पे 2 पार्टीशंस पर रूम। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, आप काम किसके लिए काम स्टार्ट करें, लार्ज के लिए कि स्मॉल के लिए? सबसे पहले लार्ज से काम करोगे ना, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आपको कितने चाहिए, इसे कोड बताओ मुझे। तो डेव डॉट सबसे पहले आप लोगे कोल एलजी, कितना लोगे? 6 पार्टीशंस पर रो चाहिए, तो आपके डेव टैग कितने आएंगे ये पहले बताओ, एंड कोल एलजी क्या लिखूंगा मैं? डेव कितने आएंगे 6 पार्टीशंस पर रो चाहिए, तो पहले लार्ज के लिए करोगे ना काम स्टार्ट, गुड 6 आएंगे, 6 चाहिए तो 6, एंड कोल एलजी क्या लिखोगे? टोटल 12 है, तो 12 डिवाइड बाय 6 2, तो हर एक बॉक्स को कितना आएगा? 2 2 के 6 बॉक्स, नो 6 कैसे आएगा फ्रेंड्स? 6 6 के 2 नहीं चाहिए, तो आप 6 प्लस 6 तो 12 हो गए। मुझे 6 ड्यू चाहिए एंड कोल एलजी आपको लिखना पड़ेगा 2, ये आपका काम होगा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं विजिटर, और यहाँ लिखता हूँ H2 के अंदर, H2 के अंदर लिखता हूँ स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। अब ये हर एक डिवाइस के लिए अप्लाई होने वाला है। देखो कॉल एल जी टू, इसको कलर देता हूं मैं डार्क के बाद डेंजर, उसके बाद देता हूँ सक्सेस, सक्सेस के बाद देता हूँ मैं प्राइमरी, प्राइमरी मतलब ब्लू, ओके इनको मतलब थोड़ा ब्लू टाइप ही मिलेगा। उसके बाद आपका ऑर्निंग मतलब ऑरेंज, कितने हो गए टोटल? 1 2 4 6 8 10 एंड 12, यस हो गया काम आपका लार्ज के लिए 6 के 2। अभी न्यू फाइल न्यू कोड देखो, यस गुड। अब ये कंटेनर लिया तो क्या हो रहा है? कंटेनर नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए हमें? कंटेनर फ्लूइड चाहिए, हमें स्पेस नहीं चाहिए बीच में से। देखो 1 2 3 4, इसका कलर लाइट रखना है, तो आप डायरेक्टली रो को ही बोलता हूँ, इसके ना जितने भी कंटेंट है ना, आप इसको क्या करो, टेक्स्ट को लाइट करो। देखो आगे के लार्ज पे, लार्ज पे कितने आ रहे हैं? 6 के 2, बट मुझे मीडियम के लिए कितना चाहिए? ये देखो सिर्फ लार्ज के लिए काम करेगा, बट मीडियम के लिए मुझे 12 नहीं चाहिए। मीडियम के लिए कितने चाहिए पर रो, सॉरी लार्ज के लिए? ये अभी एक्स्ट्रा लार्ज का काम हो रहा है, सॉरी गो लाइव। अब देखो ये आपका क्या हो रहा है, लार्ज के लिए 2 पार्टीशंस पर रो दे रहा है 6 6 के, बट जैसे मैं एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, जैसे मैं एक्स लार्ज के लिए जा रहा हूँ, लार्ज के लिए क्या हो रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, 12 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे 12 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 4 पार्टीशंस पर रो चाहिए। तो आप इसी के बाद ही लिखो कि 4 पार्टीशंस पर रो चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? सॉरी यहाँ मैंने कॉल एक्सेल लिखना था मुझे, सॉरी एक्सेल लिखना था, ठीक है फिर से देखो। अभी ये लार्ज, सॉरी मैंने वो मिस्टेक किया, मुझे लार्ज के लिए पहले दिखाना नहीं था, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए दिखाना था, ठीक है फिर से देखो। चेंज कुछ भी नहीं है, कोड वही रहेगा, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, इतना ही फर्क हुआ, बाकी सेम कोड है। तो देखो अभी 12 12 दो दो के 6 पार्टीशन एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, बट जैसे आप स्क्रीन को छोटा करोगे, तो अभी ये कौन सा डिवाइस आ गया आपका, एक्स्ट्रा लार्ज तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये अभी लार्ज है, तो लार्ज पे कितने पार्टीशन पर रो चाहिए, कितने चाहिए, कितना चाहिए? 4 पार्टीशंस, तो 4 पार्टीशंस पर रो आपको चाहिए। 4 पार्टीशन चाहिए मतलब मैं बोल रहा कि 4 बॉक्स चाहिए मुझे, इसको कंफ्यूज मत हो जाओ। तो अभी इसके लिए क्या कोड लिखोगे आप, कॉल एलजी, क्या लिखोगे कॉल एलजी?
नो, अभी दिव्य ना आपकी उतनी ही रहेंगे, यही कोड रहेगा आपका। सिर्फ आपको क्या करना है, मुझे 4 बॉक्सेस पर रोज चाहिए। ये क्या हो रहा है, मतलब जो अभी एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 6 है ना, वो मुझे 6 नहीं चाहिए, अभी 4 पर रोज चाहिए। तो आपके कोड में क्या चेंज होगा, सिर्फ कॉल LG क्या लिखोगे? यस, 4 पर रो मतलब कितना, 4 + 4 = 8 + 4, कॉल LG कितना आएगा? 4 पार्टीशन पर रो मतलब कितना, 4 बॉक्सेस पर रो चाहिए मुझे, टोटल 12 है, तो 12 / 4 कितना आएगा, 3। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉल LG 3 लिखना पड़ेगा। या देखो अभी मुझे ना एक्स्ट्रा लार्ज पे आप दो दो ले रहे हो ना, तो अभी आप मुझे कॉल LG 3 दो। 3 दो मतलब एक रो पे 4 कॉलम, 1 3 6 9 12, उसके बाद वाले नेक्स्ट रो पे आएंगे। देखो 4 4 के 2 चाहिए ना मुझे, इसको देखो आप प्रॉपरली फिर से। देखो ये एक्स्ट्रा लार्ज पे मुझे कितना चाहिए था, 6 पार्टीशन, 4 6 बॉक्सेस। अभी मुझे लार्ज पे कितना चाहिए, 4 बॉक्सेस, 3 का 1, 3 का 2, 6 9 12, एंड आगे वाला कहाँ जाएगा, नेक्स्ट रो पे जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 4 पार्टीशन पर रो। अभी ये तो मुझे सिर्फ मीडियम लार्ज के लिए चाहिए, बट मीडियम के लिए मुझे कितना चाहिए, 12 नहीं चाहिए, मीडियम के लिए कितना चाहिए हमें, 3 पार्टीशन पर रो। देखो मैं सिंगल लाइन में सब कोड लिख रहा हूँ कि मुझे लार्ज के लिए इतने कॉलम दे, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज के लिए इतना दे, एंड अभी अभी मीडियम के लिए कितना चाहिए, 3 पार्टीशन पर रो। तो अभी आप ही बताओगे मुझे कॉल MD में क्या लिखूं, एक रो पे मुझे 3 बॉक्स चाहिए, तो क्या करोगे? यस गुड, अभी आपको क्लिक हो रहा होगा मैं कैसे लिख काम करते, तो कॉल MD 4, तो 4 का 1, 4 का 2, 4 का 3 = 12, उसके बाद वाले नेक्स्ट रो पे देखो आगे के 4 4 के 3, अभी मतलब 4 4 4 12, ये मीडियम, 3 पार्टीशन पर रो, 3 बॉक्सेस पर रो, लार्ज के लिए 4 बॉक्सेस पर रो, एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 6 बॉक्सेस पर रो। यस रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अभी आप कोड लिखोगे आपका जो करना है वो। अभी हो गया 3 पार्टीशन पर रो, बट स्मॉलर पे कितना करना है, ये तो फिर से 12 हो गया। ये ऑटो होता है कॉल, ये ऑटोमेटिकली 12 में होता है उसका डिवाइस का काम होने के बाद, बिकॉज मीडियम मतलब उस विड्थ तक ही काम करेगा। अभी स्मॉलर के लिए 2 पार्टीशन पर रो चाहिए, क्या कोड लिखोगे, क्या लिखोगे कोड? कॉल SM, क्या लिखोगे, SM 2 बॉक्स पर रो मतलब, यस 2 बॉक्स पर रो मतलब 50 50 के 2, एक रो पे चाहिए, तो कॉल SM क्या डालोगे आप? यस गुड, कॉल 6 डालोगे ना, कॉल SM 6 डालोगे, 6 6 के 1 रो पे 2, मतलब 6 6 के 2, इसके बाद 2 2, ऐसे आपका क्या होगा, अभी रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो जाएगा। और इसके बाद देखो भी 2 पार्टीशन पर रो स्मॉलर पे, ये स्मॉलर डिवाइस ये वाला, उसके बाद मीडियम टैबलेट डिवाइस 3 बॉक्स पर रो, 3 पार्टीशन पर रो, उसके बाद लार्ज 4 बॉक्सेस पर रो, एंड उसके बाद आपका 4 बॉक्सेस पर रो लार्ज, एंड ये एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, एंड ये आपका स्मॉलर, मतलब 50 50 के 2। इंडायरेक्टली आप कॉल SM6 बोल रहे हो, मतलब विड्थ 50 50 दे रहे हो। एंड इसके बाद आपको 1 बॉक्सेस पर रो चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हो कॉल 12, मतलब ये सब एंड होने के बाद आप इसको कॉल 12 करो, एंड नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो 12, 6 पर रो, 3 पर रो, 4 पर रो, एंड 6 पर रो, ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने का ट्रिक। अभी आपको मैं और एक ट्रिक बताऊंगा कोड कम करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप कुछ मोस्टली अलग काम नहीं करोगे, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके लिए ट्रिक में कोड बताऊंगा आपको। इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए आप एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज के लिए भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आपको मीडियम पे 6 6 के 2 चाहिए, तो ऑब्वियसली ऐसा मोस्टली वेबसाइट में यही होता है कि लार्ज के लिए भी 2 ही होता है, एंड एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 2 रहेंगे, इन केस नहीं होगा तो ठीक है, बट मोस्टली आपको क्या करना है, आपको जब हम काम करो ना प्रोजेक्ट पे,
तो आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपका कोड कम करने के लिए। क्या करो, एक ड्यू डॉट रो तो लो, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज से काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली काम करो मीडियम से। कॉल MD66 के मुझे आप दो बॉक्सेस दो, एंड इसको बीजी डार्क बोलो, एंड या लेता हूँ मैं आपका H2। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कोड कम करने के लिए। आप एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज के लिए काम मत करो, आप डायरेक्टली मीडियम से जितने भी आगे डिवाइस है ना उसके लिए आपका 6-6 के दो ही रहो। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो 6-6 के दो ही रहेंगे ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मीडियम डिवाइस से काम को स्टार्ट कर सकते हो। आपको लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अलग अलग पार्टीशन नहीं होता है, मीडियम के लिए होता है एंड उसके बाद स्मॉल के लिए होता है। तो अभी मैंने यहाँ लिखा है और एक ट्रिक लिख रहा हूँ, यहाँ लिखता हूँ कॉल बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, कॉपी पेस्ट। अब देखो ये जो नीचे जो कोड लिख रहा हूँ ना मैं, ये 6-6 के दो, तो ऑब्वियसली ऐसा इन केस होगा कि लार्ज के लिए अलग पार्टीशन चाहिए, तो आपका होगा क्या, आपको लार्ज के लिए भी उतना मिलेगा चाहिए होगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी उतना चाहिए होगा, एंड मीडियम तक, मतलब मुझे ये बोलना है कि मोस्टली मीडियम तक आपको पार्टीशन सेम होता है लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो आप डायरेक्टली क्या करो, मीडियम से काम स्टार्ट करो एंड उसके बाद आपको 12 स्मॉलर के लिए कुछ अलग चाहिए तो आप उसके लिए काम करो, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ मैं। मतलब आप ये कंसिडर करो कि लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज एंड मीडियम तक आपके चार चार के तीन पार्टीशन चाहिए। एग्जाम्पल को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, कोड वही है। आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप इसको यूज करना काम स्टार्ट करो, बट जिसको ये समझ आए उनके लिए ट्रिक बोल रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज के लिए ये कोड लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इससे काम स्टार्ट करो। तो इसको देता हूँ मैं आपका डेंजर, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आपको मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज के लिए तीन बॉक्सेस पर रहो चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लार्ज के लिए अलग अलग क्यों लिखना है आपको, तो मीडियम से स्टार्ट करो, बट स्मॉलर पे मुझे 6-6 के दो चाहिए, तो आप सिंपल मीडियम के बाद आप यहाँ सिंपल लिखो कॉल SM6, तो क्या होगा, स्मॉलर के लिए 6-6 के दो आएंगे एंड इससे जितना भी बड़ा होगा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज उसके लिए क्या होगा आपका चार के पर रो आएगा। देखो पर रो आएंगे, देखो मीडियम उसका जितने भी डिवाइस होगे उसको चार चार के तीन पार्टीशन, एंड स्मॉलर के लिए आपको इतना ही कोड लिखना है, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली 12 तो होने ही वाला है। ये हो गया आपका एक स्मार्ट वे। ये जो लास्ट वाला फाइल है, दिस इज योर मोस्ट यूजफुल टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। अभी आपको इसके अंदर मैंने H2 टैग लिखा है, अभी आप इसके अंदर कार्ड को यूज करो, आप नावर को यूज करो, आप मॉडल को यूज करो, उसके बाद आपके बटन्स, आपको टेबल, आपको जो यूज करना है वो आपका कोड अभी इस लेआउट के अंदर आगे से आएंगे। सबसे पहले कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, फुल विड्थ चाहिए तो कंटेनर फ्लूइड, उसके बाद रो एंड आपका 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। तो देखो मैंने आप भी आपको क्लिक हो रहा होगा मैंने कितना बेसिक से आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जैसे CSS का ग्रिड होता है वैसे आपका सेम जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करके रखा है बूटस्ट्रैप करना 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। अभी आपका मीडिया क्वेरी लिखना बहुत कम हो जाएगा, लिखना पड़ेगा बट बहुत कम लिखना पड़ेगा और कम लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपका ये ग्रिड सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन करके देगा सिंपल, जो आपको मैंने ट्रिक बताया ये वाला, ये लास्ट वाला कोड। ओके इससे आपका काम हो जाएगा। देखो रिस्पॉन्सिव करने के लिए कितना सिंपल लिखना है, कंटेनर रो एंड कॉलम। तो सबसे पहले हमने कॉलम दे बताया जो ऑटो रिस्पॉन्सिव हो रहा था ना कि डिवाइस के हिसाब से, देखो ये क्या कर रहा था, तो डिफरेंस समझो, एक लास्ट 2 मिनट है, ये ऑटो रिस्पॉन्सिव हो रहा था ना आपका डिवाइस के हिसाब से, देखो ये मैंने उसको कुछ अप्लाई नहीं किया था, ऑटो रिस्पॉन्सिव हो रहा था ऊपर वाला, ये देखो देखो ऑटो हो रहा था। उसके बाद हमने क्या क्या फिक्स बताया आपको, कॉल 6 कॉल 12 ये ऑल डिवाइस के लिए फिक्स रह रहा था। देखो देखो ये ऑटो हो रहा था कॉल, ये अभी फिक्स हो रहा था, देखो फिक्स मतलब ऑल डिवाइस के लिए सेम, बट बाद में हमने क्या किया उसको
डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ग्रिड से का, स्मॉल के लिए अलग, लार्ज के लिए अलग, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अलग। देखो तो ये भी काम कर क्या करता, डिवाइस के हिसाब से उसका डिवाइस का साइज खत्म हो गया तो वो 12 में कन्वर्ट कर रहा था। देखो 12 में अभी काम सिर्फ एसएम करेगा, उसके बाद मीडियम करेगा और उसके बाद लार्ज करेगा। देखो ये हमने देखा। एंड देन आपको सिंगल लाइन में कोड लिखने के लिए आपको सिंपल लिखना है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कितना चाहिए, लार्ज के लिए कितना चाहिए, मीडियम के लिए कितना, स्मॉल के लिए कितना। बट उससे भी स्मार्ट वे, आप मीडियम से काम करो एंड स्मॉल के लिए कोड लिखो सिंगल लाइन में। ये आपका हो गया बूटस्ट्रैप का कंप्लीट ग्रिड पार्ट, विच इज मोस्ट यूजफुल फॉर टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। अभी आप इस लेवल पे आ रहे हो तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अभी आज आपको मैं किसी भी टाइप का वेबसाइट आपको दो तो अभी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए रेडी हो। जब आप सीएसएस के एंड बूटस्ट्रैप के कोड को कंबाइन करके लिखोगे तो आपका एकदम प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एकदम इफेक्टिव वेबसाइट को आप डिजाइन कर सकते हो किसी भी टाइप का, ठीक है। बट पहले जो सीएसएस का टास्क प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड सेकंड, अभी बूटस्ट्रैप पे मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स नहीं दिया था। द रीजन इज कि एक्चुअली आप कंफर्टेबल हो जाओ इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए नया था। जिसने कंप्लीट किया है उसके लिए आगे से आपको मैं बूटस्ट्रैप के अंदर आपको मैं कुछ असाइनमेंट्स दूंगा एंड एक प्रोजेक्ट देने वाला। उसको आपको करने के बाद आपका वीआई डिजाइनर, आप वेब डिजाइनर पोजीशन के लिए रेडी हो, मतलब अभी रेडी हो। बट जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप टास्क प्रोजेक्ट पे काम करो। बूटस्ट्रैप का अलग रहेगा, सीएसएस का प्रोजेक्ट अलग रहेगा एंड आगे हमें जावास्क्रिप्ट के लॉजिक पे काम करना। अभी आपका डिजाइनिंग पार्ट एंड, ओके कल एक लास्ट सेशन रहेगा जो 5 के अंदर क्या क्या चीजें नॉर्मल मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है। एंड देन रिविजन सेशन वगैरह होगा, बूटस्ट्रैप का भी लेंगे हम, सीएसएस का भी लेंगे, बट वो बीच बीच में लेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। बिकॉज अभी लर्न किया तो सब याद आएगा, बट गैप पढ़ने के बाद वो आपको प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो ये सब आपको कोड किसी को रटना नहीं है कि कैरोसेल के लिए, ये मॉडल के लिए कितने क्लासेस याद रखना पड़ेगा, आपको उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस लेना है। बट जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको क्लास याद रहेंगे। अभी ग्रिड के लिए तो कुछ रटना नहीं है तो बेसिक है। उसके बाद आपका कार्ड के लिए क्या है, सिंपल दो चार क्लास याद रखना है। मॉडल के लिए भी सेम, वो प्रैक्टिस से होगा आपको, ठीक है। जिसने प्रैक्टिस किया ना उनके लिए ये थोड़ा भी कुछ क्लासेस अभी वो बिना देख के भी कोड कर सकते हैं। इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, चीजें रिपीट रिपीट करो, कोड को टाइप करके देखो, आपको प्रॉपर वे से चीजें हैंड्स ऑन हो जाएगी, ओके। सो होप गाइस ये आपका लास्ट वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मिक्स ग्रिड सिस्टम बोलूंगा जो आपके काम का चीज है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस फ्रॉम माई साइड फॉर द डे। होप यू एंजॉय टुडे सेशन ऑन बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। कल हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, ओके। एंड देन जैसे वो सीएसएस का एनिमेशन वगैरह है, वो भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, आगे हम उसको भी देखेंगे, डोंट वरी। इट्स नॉट लाइक बिग बड़ा कॉन्सेप्ट है, लाइक एनिमेशन करना है तो कैसे हो? जैसे हम सीएसएस के रिविजन के बाद में वो आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस, असाइनमेंट मिलेगा निखिल आपको, बट पहले इसको कंप्लीट करो, मैं असाइनमेंट देता हूँ कल आप, ओके ठीक है, गुड ठीक है। थर्सडे से हमें अभी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है, ठीक है। जिसको प्रॉपर वे से करना है प्लीज आप प्रोसेस करो, जो भी व्हाट एवर आपको अपडेट मिला होगा, ठीक है। एंड आज वो मैसेज अपडेट नहीं है तो दैट्स वाई थोड़े बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो ठीक है। थोड़ा वो व्हाट्सअप रिजॉल्व होने के बाद इशू हमारा, मैं आपको फिर से कनेक्ट करूँ, ठीक है। बट कम्युनिटी पे मैसेज मिला था, ठीक है। थैंक यू सो मच, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग, ओके पूजा। आई विल कनेक्ट विद यू, ओके डोंट वरी। इफ एनी वन हैव एनी इशू प्लीज कनेक्ट रिगार्डिंग वाट एवर जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। यस पूजा, मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ, ओके थैंक यू सो मच।